नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलोनी सुमित शर्मा। रुख करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। एक लग्जरी कार में 6 माह पूर्व अवैध रूप से अफीम डोरा चूरा भरकर ले जा रही थी, जिसे छोटी सादड़ी पुलिस ने पकड़ा और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस तस्करी के मुख्य आरोपी जो फरार चल रहे थे, उसे सोमवार को गिरफ्तार कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सीआई कपिल पाटीदार ने बताया कि 21 दिसंबर को पुलिस गश्त के दौरान दूतीलाई गांव की सीमा पर एक लग्जरी कार से 366.70 किलोग्राम अवैध अफीम डोरा चूरा जब्त कर दिनेश कुमार उर्फ दुर्गा राम पुत्र उमा राम जाट निवासी धारासर का तला बायतु भीमजी जिला बाड़मेर, रमेश पुत्र खड़ता राम जाट निवासी राज मथाई जिला जैसलमेर को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच की गई। इस डोरा चूरा तस्करी में लिप्त 6 माह से फरार चल रहे आरोपी दूधी तलाई गाँव निवासी गोपाल पुत्र तुलसीराम धाकड़ को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में और कौन कौन शामिल है, इसको लेकर पुलिस जाँच की जा रही है।